भाजपा विधायक ने चौपाल लगाकर सुनी समस्याएं, सरकार की योजनाओं की ग्रामीणों को दी जानकारी। आगरा के फतेहाबाद विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के विधायक जितेंद्र वर्मा के द्वारा फतेहाबाद क्षेत्र के गांव में चौपाल लगाकर रात्रि विश्राम किया जा रहा है और वहीं पर जनता की समस्याएं सुनकर निराकरण किया जा रहा है। इसी के तहत डिडनियापुरा तथा पुटपुरा में रात्रि विश्राम कर चौपालों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए भाजपा विधायक ने कहा है कि 2014 के बाद प्रदेश का माहौल बदल गया है, गुंडाराज खत्म हो गया है, बहन बेटी कभी भी निर्भीक आ जा सकती है। जो लोग पूछते थे कि राम मंदिर कब बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, आज राम मंदिर की आधारशिला रखकर काम शुरू हो गया है। प्रदेश की व केंद्र की सरकार के द्वारा सैकड़ों कल्याणकारी योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत किसान, व्यापारी, मजदूर, महिला, गरीब सभी लाभ ले रहे हैं। आगे बोलते हुए कहा कि मैं जनता का चुना प्रतिनिधि हूँ, इसलिए जनता के बीच रहकर उनकी समस्याएं सुन रहा हूँ, यह क्रम आगे भी जारी रहेगा। वहीं इसी चौपाल कार्यक्रम में आए प्रभारी निरीक्षक फतेहाबाद प्रदीप कुमार ने कहा कि सभी लोग सतर्क रहें, जो लोग एंड्रॉइड फोन चलाते हैं वह फेसबुक, व्हाट्सएप पर अनावश्यक फोटो न डालें तथा वित्तीय लेनदेन के संबंधित लालच भरे मैसेज के चक्कर में न पड़े। आईजी आगरा के द्वारा यूट्यूब पोर्टल पर ठगी से संबंधित जानकारी दी जा रही है, जिसको देखें और शिकार होने से बचे। क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री को लेकर जानकारी दे, जानकारी देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष देहात मयंक जादौन, अजय जादौन, योगेश चौहान, राम लखनपुर प्रधान, रामदेव प्रधान, लाखन सिंह प्रधान सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। एपीआई न्यूज के लिए संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अकाउंट भेज दिए और आपकी शराफत के अनुसार उन्होंने कह दिया भैया इसको जो है ये गलती से चले गए, आप वापस कर दो। आपके वापस करने के झांसे में जो वो प्रक्रिया अपनाएंगे, उस प्रक्रिया में आपको पूरा अकाउंट आप खाली हो जाएगा। तो ऐसा कुछ होता है तो आप सीधे बैंक जाएं, उसके पैसे आप मत, आप अगर आप ईमानदार हैं तब आप सीधे अपने संबंधित बैंक में जाएं, बैंक मैनेजर से बात करें और उसके माध्यम से उसके पैसे वापस करें। अदरवाइज आप सीधे मोबाइल पे किसी भी तरीके कोई फंक्शन उसके कहने पर उसको क्लिक न करें, कोई ओटीपी न बताएं, कोई और चीज़ न बताएं। तो इस तरीके से धीरे छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप सब लोग इसका ध्यान रखें, अपने आप को जागरूक रखें, किसी भी तरीके से कोई भी आर्थिक नुकसान आपको नहीं होगा। और इतने लोगों के पास ये मैसेज इस राष्ट्रीय प्रवास के माध्यम से आपके पास गया, मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपको इन चीज़ों को पहुँचा पाया। मैं आपके थाने का प्रभारी हूँ, आपकी सुरक्षा का दायित्व तो हमारा है। किसी भी तरीके की छोटी मोटी समस्या हो आप तुरंत हमसे बात करें, निसंकोच थाने में जाएं। विधायक जी तो रात में 1 बजे, आपका सौभाग्य है कि आपको ऐसे विधायक जी मिले हैं, कि रात में 2 बजे भी जाएंगे तो भी फ़ोन कर देंगे कि इस साहब ऐसी बात है, इसका समाधान करिए। आप निसंकोच हमसे बात करें और विधायक से अपनी समस्या कहें, 100% हम आपसे वादा करते हैं आपकी हर समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास। क्या उद्देश्य है, क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, जिस तरीके से पूर्व काल में, पुराने उस समय में लोग विधायकों से मिलने के लिए कई कतारें लगानी पड़ती थी, कई लाइन लगानी पड़ती थी, विधायकों की कोई मतलब पड़ती थी। मैं इस परंपरा को तोड़ना चाहता हूँ, जिस तरीके से हर एक आम आदमी अपनी बात को कह सके और वो जब उसके पास हम रुकेंगे, आएंगे जाएंगे, उससे संबंध बनेंगे, निश्चित रूप से वो समस्याएं बताएंगे और उस समस्याओं को निदान भी होगा। लेकिन उनके अंदर एक जो वीआईपी कल्चर होता है, जैसे लोग गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं, तो आम आदमी इससे पिछड़ जाता है कहीं ना कहीं। मैं उससे पिछड़ने नहीं देना चाहता, सबको, सबका साथ सबका विश्वास, सबका विश्वास, वो नारा के तहत ही में चलना चाहिए।